Rajasthan University. So, and I will cover all those topics also which is missed in this book, which I have covered from Google. Okay. Now, political science traditional approach. First of all, do not mix traditional with the word culture. Tradition and culture, they both are quite different words. जब मैं पढ़ती थी तो मेरी यही गलती होती थी कि मैं ट्रेडिशनल को पूरा कल्चर ही लेके समझती थी, बट ऐसा नहीं है. जैसे जैसे अपन आगे मूव करते जाते, जैसे सपोज किसी एक पर्टिकुलर थियरी के तीन डिफरेंट डिफरेंट थियरीज निकली और लास्ट वाली सबसे बेस्ट थी, तो जो लास्ट वाले जो थिंकर्स होंगे वो फर्स्ट वाली थियरी को क्या बोलेंगे कि वो क्लासिकल अप्रोच थी या वो ट्रेडिशनल अप्रोच थी. ओके, तो दैट डजंट मीन कि वो सिर्फ कल्चर 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 थी. नहीं, कल्चर का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा था, बट दैट नॉट ओनली कल्चर. ओके, सो दैट वॉज ट्रेडिशनल अप्रोच. ओके, ट्रेडिशनल का मतलब ये था और अप्रोच इज अप्रोच और पर्सपेक्टिव यू कैन से अ वे ऑफ थिंकिंग. ओके, एक वे होता है थिंक करने का, सोचने का. तो वो अब जैसे जैसे और न्यू पॉलिटिकल साइंस की जो थियरीज आती जाएगी कुछ सालों बाद, तो वो लोग जो प्रेजेंट में अभी जो थियरीज बनी होगी उनको क्या बोलेंगे कि ये क्लासिकल थी, और जो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो शायद वो डिलीट ही कर देंगे अपने सोर्स से. ओके, तो पॉलिटिकल साइंस का ट्रेडिशनल अप्रोच में इंट्रोडक्शन में ही लिख लेना कि इट वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अमंग ऑल द साइंसेज. ग्रीक ऑलवेज, अगर है ना पॉलिटिकल साइंस में अगर कभी नहीं पता ना कि थियरी किसने दी और तुक्का लगाना, तो आप ग्रीस या रोम लिख के आ जाओ, 98% चांस है कि वो सही जाएगी, अगर वो थियरी थोड़ी पुरानी हो तो. ठीक है, तो ग्रीस से आई थी ये थियरी. कौन थे इसके दो मेजर स्कॉलर्स? प्लूटो और एरिस्टोल. ओके, एंड ऑल्सो उनका क्या मानना था ट्रेडिशनल परस्पेक्टिव में कि अर्थ जो है वो गॉड का किंगडम है. अर्थ पे किंग क्यों आया है? क्योंकि लोगों ने सबने मांगा था एंड ऑल. ये हम उसमें भी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल थिंकर्स में भी. तो उन्होंने मतलब किंग पे ज़्यादा एम्फेसिस किया और उसके अप्रोच में ट्रेडिशनल अप्रोच दिया था. ओके, अब एक सिंपल मेजर लाइन में पूछ ले कि वॉट इज ट्रेडिशनल परस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो एग्जाम में क्या लिख के आना है? द ट्रेडिशनल और क्लासिकल और नॉर्मेटिव, इसके तीन नेम हो गए, of political theory refers to the diverse economic thought system developed in the ancient age from 6th century BC to the decline of Roman Empire in the 5th century AD. It consists of major thinkers from Greek and Rome. अब इसका मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसा thought period है जो कौन से period में चल रहा था, 6th BC से लेके 5th AD तक चल रहा था, और वो ऐसा political theory जो चल रही थी उस टाइम पे ग्रीक और रोम में, उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? ट्रेडिशनल. उन्होंने अब ट्रेडिशनल नहीं दिया, जैसे जैसे न्यू थियरी आई उन्होंने इस थियरी को ट्रेडिशनल नाम दे दिया. ओके, अब कोई भी अपने आप को नहीं बोलेगा कि मैं पुराने ज़माने का हूँ. जैसे जैसे ज़माना आगे जाएगा, आगे वाले लोग पीछे वाले को पुराने ज़माने वाले बोलेंगे, वैसे वही वाली बात है. ठीक है, अब ये वो पॉलिटिकल थिंकर है, बट ये लोग इंक्लूड क्या करते थे मेजरली? ये मेजरली इंक्लूड करते थे, इनके सब्जेक्ट्स क्या होते थे, ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके सब्जेक्ट्स क्या होते थे? स्टेट गवर्नमेंट, स्टडी ऑफ बोथ स्टेट एंड गवर्नमेंट, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ स्टेट. अब यहाँ पे अगर एक बात नोट करो तो क्या आ रहा है? सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मतलब सिटीजन्स का कोई रोल होता है या नहीं होता है, जुडिशरी का कोई रोल होता है नहीं होता है, उन सब से इनको कोई लेना देना नहीं. वापस से क्या बोला है? प्रेजेंट नेचर ऑफ स्टेट, पास्ट नेचर ऑफ स्टेट, फ्यूचर नेचर ऑफ स्टेट, स्टडी ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, वन एंड द सेम है. ओके, और अगर देखूँ तो स्टडी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, ये भी बहुत लेट जाके आया था, ऐसे मत सोचना कि ये इस वो लोग इतने एडवांस नहीं थे. ओके, और ये तो बीच में कुछ और पार्ट है, आई विल डिस्कस लेटर ऑन. सो अगर एक बात नोट, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी ना तो मुझे लग रहा था कि इतना अच्छा तो सब कुछ इन्होंने डिस्क्राइब किया है, फिर ये ट्रेडिशनल क्यों? बट जब इसको इन्फोसिस किया, अच्छे से देखा, तो पता चला कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस, इन पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, पर सिटीजन का भी कोई रोल होता है, उनके इंपॉर्टेंस होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं, वोट्स होने चाहिए, कैसे देना चाहिए, कौन से गवर्नमेंट को चूज करना चाहिए, कब गवर्नमेंट ख़राब है, कब गवर्नमेंट सही है, उतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ये नहीं थी. दैट्स वाई ट्रेडिशनल रही. ओके,
कोई एक थियोरी बहुत पुरानी होके ट्रेडिशनल नहीं हो जाती, बहुत पुरानी होके जब उसमें ड्रॉबैक्स भी बहुत हो जाते तो क्या हो जाती है, ट्रेडिशनल। ओके, सेलियंट फीचर्स मतलब सेलियंट फीचर्स बोलो या इस टाइम पे तुम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, ऑलमोस्ट सेम बात है। अब सेलियंट फीचर्स क्या थे, आइडियलिस्टिक, सब्जेक्टिव, इमेजिनेशन बेस्ड। आइडियलिस्टिक मतलब उनका खुद का आइडिया था, सब्जेक्टिव यानी एक पर्पस को देख के एक ही व्यू पॉइंट से चल रहे थे, इमेजिनेशन बेस्ड मतलब कुछ रियलिटी नहीं निकला, कुछ रियल अप्रोच इसका था ही नहीं, सब इमेजिनेशन बेस्ड था। एम्फेसिस ऑन मॉरल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज पे ज़्यादा एम्फेसिस। अब एक चीज़ तो तुम आइडिया निकालो, जब वो ट्रेडिशनल था तो वो मॉरल वैल्यूज पे तो होगा ही। लिमिटेशंस ऑफ स्टडी ऑफ मॉडर्न पर्सपेक्टिव, ऑफ ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव सॉरी। तो लिमिटेशंस थे इस थियरी में ऑब्वियसली बहुत थे, और वो क्या थे वो अपने देख गया था। दे फॉरगॉट टू लुक इनटू द एक्चुअल बिहेवियर एंड ऑपरेशन, द डिफरेंट अप्रोचेज आर हिस्टोरिकल। ओके।